हेलो एवरीवन, शांति कुजिन में आप सभी का स्वागत है। तो एक नई रेसिपी के साथ आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो ये आज बनेगा फ्रोजन सोया चाप। तो इसको मैंने फ्रीजर से निकाल लिया है, इसमें कुछ बना चुके हैं, कुछ बचा है जो आपके सामने आपके साथ हम बनाएंगे। और इसका सही तरीका क्या है ये हम जानेंगे। बनाते तो सभी लोग हैं, लेकिन सही तरीका क्या है और इसको कैसे बनाना चाहिए, चलिए आज हम देखेंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये जो है इसमें देखिए बिल्कुल ये फ्रीजर से निकला है तो बिल्कुल बर्फ जमी हुई है। इस पास से देखिए आप, पानी सबसे पहले हम पानी रखेंगे, इतना पानी रहे जिसमें जो है ये अच्छे से डूब जाए सोया। ये देखिए ये पानी बॉयल होने लगा है, इसमें हम इसको डाल देंगे। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं इसको बॉयल करने के लिए। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये जो पोर है ना ये खुलना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छे से ओपन हो चुका है। इसको हम ऑफ कर देंगे। उसको देखिए कितना, ये देखना कितना स्पंजी हो गया है। मैं हाथ से नहीं टच करी क्योंकि गर्म है, हाथ से भी टच के दिखाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल इसी तरह सोया चाप बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसमें हम इसको इस तरह कट लगाएंगे। और इस तरह से ये निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकलता है। बस इसको घुमा देंगे और ये निकल जाएगा। इसको हम काट लेंगे। बहुत लोग खड़ा भी बनाते हैं लेकिन मैंने इसको कट किया है। अब इसमें हम पानी निकला हुआ दही लेंगे। इसमें देख सकते हैं कि यह एक भर के चम्मच है, छोटे वाले चम्मच से, क्योंकि सोया चाप जो है हमारा कमी था तो इसको हमने लिया है। इसमें हम आधी चम्मच मलाई भी डालेंगे, हल्का सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छा कम से कम एक चम्मच। अब इसमें हम इस सोया चाप को अच्छे से कोट करेंगे, लपेट देंगे। अब इसको हम ढक के रख देंगे। ये अच्छे से इसमें लग गया है, इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको हम ढक के रखेंगे। अब पैन चढ़ाएंगे, इसको अच्छे से गरम करेंगे। इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे थोड़ा सा, जिसमें हम इसको फ्राई कर सकें, अच्छा फ्राई करेंगे। इसको ऑफ कर देते हैं। अब चढ़ाएंगे कुकर और इसमें थोड़ा तेल डालेंगे, क्योंकि हमने फ्राई किया है तो ऑलरेडी उसमें तेल है। इसमें सरसों का ही तेल सबसे अच्छा लगता है तो मैंने हल्का सा 2 चम्मच तेल डाला है इसमें। थोड़े से खड़े मसाले जिसमें जीरा है, साबुत जीरा है, दालचीनी है और ये शाही जीरा है, 2 लौंग है, ये जावित्री है और कटे हुए थोड़े से लहसुन है। इन सबको हम ऐसे ही फोरन डाल देंगे। मसाले की खुशबू आ रही है। अब इसमें हम कटे हुए छोटे छोटे मीडियम साइज के 3 प्याज हैं। इसको हम अच्छे से, प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है, इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये मसाला है सब्जी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, ये है जीरा। सब्जी के अनुसार जो है जितना सोया चाप होगा उसके अनुसार इसकी क्वांटिटी होगी। और थोड़ा सा ये काली मिर्च है और ये है कश्मीरी मिर्च और ये है हल्दी, इनको हम थोड़ा भून लें। आंच को धीमा कर देंगे। बस मसाला जब मैंने कद्दूकस करके डाला है, आप इसकी प्यूरी अच्छे से निकाल कर डाल सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और मैरिनेट होने के लिए जो मैंने सोया चाप रखा था इसमें देखिए ये सब बच जाता है, तो इसमें हम पानी मिला के इसको भी इसमें हम डालेंगे।
इसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसमें हमने सोया चाप मैरिनेट करते समय डाला था, इसलिए मैं उसमें अब डाली नहीं हूँ। आप चाहें तो और भी कर सकते हैं। इसमें हम सीटी लगाएंगे, 2 से 3 सीटी, ताकि प्याज जो है अच्छे से गल जाए। बहुत लोग प्याज को पहले से पीस के डालते हैं, लेकिन नहीं, ये सही तरीका है कि बहुत जल्दी से बनाने का, अगर सोया चाप बनाना चाहते हैं तो बस इसमें 2-3 सीटी लगाइए, प्याज जो है एकदम अच्छे से गल के तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं खुद ही कितने अच्छे से प्याज एकदम कलर भी छोड़ दिया है, देखिए तेल और कलर कितना प्यारा आया है। ये इसका फ्लेवर जो है, जो पीस के हम प्याज बनाते हैं उससे काफी अच्छा लगता है, बिल्कुल मटन स्टाइल। तो इसको देखिए, अब इसमें हम इसको डाल देंगे सोया चाप को। अब थोड़ी देर हम इसको इसी में ऐसे करके ढक के धीमे आंच पे पकने देंगे। ये पहले से भी फ्राई हो चुका है, मसाला भी एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अगर हम चाहें तो 5-10 मिनट ऐसे ही ढक के पका सकते हैं, नहीं तो 2 से 3 सीटी हम इसमें लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है जल्द से जल्द पकाने के लिए। तो मैं सीटी ही लगा दे रही हूँ, 3 सीटी मैं लगा चुकी हूँ। अब इसको हम देखते हैं, वाह देख लीजिए, जल्द से जल्द बनके तैयार हो गया। मटन भी इसके आगे फेल है भाई, शाकाहारी लोग माफ करेंगे, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है, उसी के जैसा है। आप कैसे बनाते हैं ये मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। मेरे चैनल को आप अगर अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।